कटनी जिले के वन कर्मियों ने प्रदेश वन अमले की सुरक्षा को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल लटेरी वन मंडल के कर्मियों ने साइकिल पर सागौन की लकड़ी ले जाते हुए चोरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने वन अमले का घेराव कर हमला कर दिया। वन अमला थाना लटेरी पहुंचा, जिस पर हमले की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गई। जानकारी के अनुसार उक्त घटना में एक सागौन चोर की मृत्यु हो गई थी और वनकर्मी पर आरोप लगाकर हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया। इसी को लेकर वन मंडल ने अपनी सुरक्षा की बात कही है। जो हमारे वन हैं, वनजीव हैं और पर्यावरण हैं, इसकी सुरक्षा आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसकी सुरक्षा में वन अमला दिन रात 24 घंटे की ड्यूटी में और सारी सुविधाओं से दूर रह के उसकी रक्षा करता है। इसी रक्षा के दौरान देखते हैं कि कई बार वन अमले की के ऊपर हमले होते हैं, वो शिकारी होते हैं, वो तस्कर होते हैं और उसमें वन अमले को अपने रक्षार्थ कार्रवाई करने के लिए वन विभाग के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, विदिशा में कोई घटना हुई है इनके विभागीय कर्मचारी के ऊपर, उसको लेकर उन्होंने राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और वरिष्ठ शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ज्ञापन दिया है कार्रवाई के संबंध में। और दूसरा ज्ञापन आज ग्राम पंचायत बंडा के नवनिर्वाचित सरपंच के द्वारा दिया गया है। एक तो इनके आवास से संबंधित है और दूसरा इनको अभी तक सरपंच के चार्ज नहीं मिलने के संबंध में।